मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम प्रीता से मुझसे ज्यादा प्यार करते हो। अंजलि, जो मेरे दिल में प्रीता के लिए प्यार है ना, उसके प्यार की गहराई को मैं नाप भी नहीं सकता। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। आई लव यू अंजलि। आई लव यू टू अंजलि। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। लूटो सारे जेवर, एक भी नहीं छोड़ना। क्या करे तुम लोग? कोई आवाज नहीं करेगा, चुपचाप अपने गहने दे दो वरना ठोक दूंगा। ए? अरे वो क्या कर रहे हो तुम? उनको छोड़ो, छोड़ो उनको। क्या हुआ, शौक लगा? तुम लोगों को लगा कि आंटी हमें मामू बना के कमरे में बंद कर देगी तो हम वापस नहीं आ पाएंगे? हाँ, कमरे से बाहर नहीं आ पाएंगे? क्या समझ के रखा हमको? ट्रेनी, इंटर्न, हम यहाँ सीखने आए हैं। हम प्रोफेशनल गुंडे हैं, खतरनाक गुंडे हैं। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग बहुत होशियार हो, सियाने हो? तो हम महासियाने हैं और अब तुम लोगों को दिखाएंगे अपनी शान पट्टे। देखते जाओ, फटाफट सबके गहने ले लो अभी के अभी। अरे छोड़ दो उसको, क्या करे? चुप। छोड़ देंगे, सबको छोड़ देंगे, पर तुझे नहीं छोड़ेंगे। तूने हमारा बहुत टाइम वेस्ट किया है। क्या कह रही थी? हमारे पास इतना पैसा है, इतने जेवर है, कुछ यहां रखा है, कुछ वहां रखा है, कहां है? हम प्रोफेशनल गुंडे हैं, अगर एक प्लान फेल होता है ना तो दूसरा प्लान हमारे पास हमेशा रेडी होता है। प्लान ए फेल हो गया ना हमारा, तो अब हम अपना प्लान बी एक्टिवेट करेंगे। मतलब कि तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे मरना होगा। बंद है।
कुंडली क्या भर रही है। वाह क्या परिवार है मेरा, जितना शरीफ है उतना ही खतरनाक। लेकिन एक बात कंफर्म है कि अगर परिवार पे हाथ आ जाए तो यार कहां जा रहा, पीछे से वार करता है। क्या हुआ, रुक क्यों गया, पीछे आ रहे वो। अरे यार मुझे याद नहीं आ रहा कि लेफ्ट जाना है या राइट। क्या क्या याद कर रहा है तू? अरे यही देखना, इस तरफ भी दरवाजा और इस तरफ भी, और दोनों सेम दिख रहे हैं। मुझे याद नहीं आ रहा कि हमें कौन से दरवाजे में घुसना है। अरे वो महेश था ना, उसको मैंने एक जगह कैद करके रखा हुआ था। वही इस घर का सबसे सेफ इलाका है जहां हमें कोई नहीं ढूंढ सकता, कोई नहीं पकड़ सकता। पर मुझे याद नहीं आ रहा कि वो दरवाजा ये वाला है या ये वाला। क्या तुझे ये भी याद नहीं है? अरे बिना अक्कल की खोपड़ी, तुझे कम से कम ये तो याद होना चाहिए। क्या कह रहा था तू, इस घर का चप्पा चप्पा जानता हूँ। अरे यार सब्बू भाई दो मिनट चुप रहो ना, चुप रहोगे तो मेरा दिमाग चलेगा और मुझे याद आएगा कि ये है या ये है। याद आ गया, ये वाला है। चल 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 चल, एक मिनट एक मिनट। यहाँ रुकेंगे? आजा भाई बैठ। भाई कितनी गंदी जगह है यार। अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बोल ना ढक्कन। अरे सुना मैंने, चिल्ला क्यों रहा है? मैं तुझसे क्या कहा था कि मैं तुम्हें एक खुफिया सुरक्षित जगह पे ले जाऊंगा जहाँ मैं कोई नहीं ढूंढ पाएगा, तो ले आया। और मैं तुमसे ये भी वादा कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर सुरक्षित ले जाऊंगा, मतलब ले जाऊंगा। बैठो यार। तू कह रहा था यहाँ सुरंग है, वहां से बाहर जा सकते हैं। अबे कहाँ है सुरंग? अरे इतनी हुई 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 क्यों कर रहा है, कितनी जल्दी मची रहती है हर चीज की। हुई 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 हुई। अरे सांस ले, बैठ यार, पुलिस चली जाएगी उसके बाद हम चले जाएंगे यहां से बाहर। मेरा भी बीपी ऊपर कर देता है। हुई हुई हुई। अरे बोलो ना, किसने हेल्प की? अबे बोल। सर हमें जाने दीजिए। पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोग यहाँ से निकले कैसे? हाँ। मुझे याद है मैंने खुद अपने हाथों से दरवाजे और खिड़कियों को बंद किया था, अच्छे से लॉक किया था, फिर भी तुम लोग निकल गए। इसका मतलब ऐसा कोई जरूर है जिसने तुम लोगों की मदद की। बता कौन है, बोलो। नहीं, हम नहीं जानते। की? हमें नहीं पता। बताते क्यों नहीं? थैंक यू भगवान जी, इस गुंडे ने अपने कोड वर्ड में अपने बंदों को समझा दिया। अब ये किसी को मेरा नाम नहीं बताएंगे। बच गई। देखो इतना मारेंगे ना कि मार मार के पूरा गंजा कर देंगे तुम्हारे पड़ोसी की तरह, है ना? बता दो। बोल। हम नहीं जानते। बोलो जवाब दो। वो सृष्टि यहाँ आई थी क्या? वो अर्जुन की शेरवानी ड्राई क्लीन के लिए ले गई थी। नहीं राखी जी, सृष्टि नहीं आई। इनसे बैठ। अर्जुन अब ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट, डॉक्टर आ रहे हैं। इन लोगों ने बताया इनकी हेल्प किसने की थी? नहीं बेटा, ये लोग नहीं बता रहे। किसने हेल्प की तुम्हारी? इनसे पूछने में नहीं बता रहे। बोल वरना अभी पुलिस आएगी, वो तुमसे उगलवाएगी। हम पूछ रहे हैं, बताओ। आइए इंस्पेक्टर। भैया पुलिस लो। आई गए इंस्पेक्टर, पकड़िए इनको।
अरेस्ट करो इनको। यस सर। और ये तीन ही लोग हैं, दो और हैं, वो भाग गए थे, आप उनको भी ढूंढिए। मिस्टर लूथरा आप बेफिक्र हो जाइए, हम पूरा घर छान मारेंगे, वो यहीं कहीं छुपे होंगे, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। आप सब शादी कंटिन्यू कीजिए। मैं अर्जुन को देख के आती हूँ, डॉक्टर आ गया होगा। अच्छा मिस्टर लूथरा, यहाँ जो हादसा हुआ है क्या आप हमें पूरी डिटेल दे सकते हैं, मतलब कैसे हुआ, कब हुआ? बस ये इंस्पेक्टर और उसकी टीम ऋषभ को ये ना बता दे कि उन्हें यहां से झूठ बोलकर वापस मैंने भेजा था। अगर ऐसा हुआ ना तो मेरा खेल खत्म। अर्जुन से नजरें कैसे मिलाऊंगी? अर्जुन मुझे कभी माफ नहीं करेगा। कुछ गिरा? अरे ये गधा क्या कर रहा है, ये मटका अपने साथ साथ मेरी मटकी भी फुड़वाएगा। अरे बाप रे, चूहा होगा, यहाँ बेसमेंट में ना बहुत चूहे आ जाते हैं कई बार। यहाँ पे चूहे? कहाँ है चूहे? अरे रहने दो, इधर आओ। कहाँ कहाँ क्या कर रहे हो? अगर चूहा मिल भी गया तो उसको पकड़ के लिए जाओगे क्या? नहीं नहीं, नो वेस्ट, नॉट एट ऑल। हाँ तो ऐसा करते, फटाफट से यहाँ से ये दवाई का बॉक्स लेकर निकलते हैं। ये बॉक्स क्या करना है, मेडिसिन ले लो ना, जो मेडिसिन चाहिए। पर ये समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे मेडिसिन कौन रखता है? ये मेडिसिन चाहिए थी। यहाँ सब मेडिसिन छुपा के रखने की क्या जरूरत है? लो चलो चलो चलो। शेरवानी वॉश होके आ गई, तू तैयार होके नीचे आ जा जी। हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। प्रीता तू मेरे साथ चल। मोबाइल निकाल के ढूंढो। मैं तो बुरी तरह से फंस गया, एक तरफ यहां पुलिस वाले हैं और दूसरी तरफ ये स्वयं घोषित मटका की। अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया फिर मुझे जेल हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो ये मटका किंग मेरी बैंड बजा देगा क्योंकि मुझे इसे पैसे देने हैं। क्या करूं क्या करूं? आइडिया, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे पुलिस इस मटका किंग को पकड़ ले। अगर ये कैद हो गया तो मैं आजाद, ना मुझे जेल होगी ना मुझे इसे पैसे देने पड़ेंगे, फिर तो मैदान खाली। फिर प्रीता जी से शादी करने के लिए मैं अच्छे से हाथ पैर मार सकता हूं। नहीं बताएंगे, मतलब अगर मैं पकड़ा गया तो मैं तेरा नाम नहीं बताऊंगा, अगर तू पकड़ा गया तो तू
ठीक है, लेकिन कोई होशियारी नहीं चाहिए। वादा 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 पक्का। देख कोई आया उधर, देख। अंजलि, जो मेरे दिल में प्रीता के लिए प्यार है ना, उसके प्यार की गहराई को मैं नाप भी नहीं सकता। धोखा दिया। अर्जुन यहां क्या करता है क्या नहीं करता है मैंने आज तक अपनी बहन को पता नहीं लगने दिया। अरे उसने सगाई की है मेरी बहन से, लेकिन मेरी बहन उसके लिए एग्जिस्ट तक नहीं करती। अर्जुन के लिए मैंने ऋषभ पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने मुझे मोलेस्ट किया। क्यों पता है? ताकि इस लड़ाई में अर्जुन की जीत हो। मैं उसकी जीत चाहती थी, उसकी खुशी चाहती थी, उसकी हंसी चाहती थी, अर्जुन को चाहती थी मैं। लेकिन अर्जुन अर्जुन सिर्फ प्रीता को चाहता चाहता है, उसके परिवार को चाहता चाहता है। लेकिन मेरे लिए मेरा परिवार तो अर्जुन था ना, अब मेरा परिवार तो मेरे पास है ही नहीं। ऐसा लग रहा है ना जैसे मेरे सारे अरमान
मेरे हाथ से। क्या बकवास कर रहा है? अगर मैं बकवास कर रहा हूं तो ये तेरे चेहरे पे रिएक्शन किस चीज के लिए है? आंखों में गुस्सा? अगर तू करण नहीं है तो इस तरह से रिएक्ट नहीं करने का ना। अच्छा चल ठीक है, अगर मैं वाकई में करण होता, मान लेते हैं अगर मैं करण हूं, तो मैं अपने घर वालों से छुपाता क्यों? उनको बताता क्यों नहीं कि मैं करण हूं? यही सवाल तो मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि करण तूने अपने परिवार वालों को क्यों नहीं बताया? तू अर्जुन नहीं, नहीं। करण है, करण है। क्यों नहीं बताया? खैर छोड़ो, कोई बहुत बड़ी वजह होगी ना। फिलहाल मैं इतना जानता हूं कि तू प्रीता से शादी कर रहा है, करना चाहता है, और इसलिए तूने सबको धोखा दिया, सबको डराया, धमकाया, गलत बातें बोली, यहां तक कि प्रीता को तूने ये भी कह दिया कि तू अपना घर, प्रॉपर्टी, शेयर्स, अपना सब कुछ, तू काम क्या करता है? नहीं मुझे बता, तू काम क्या करता है? या कोई काम नहीं करता, बेरोजगार है? हाँ, ये तेरा सब यही काम है कि इस घर में आओ और आके डाका डालो, सबकी ज्वेलरी चुराओ। क्या हुआ, तुझे क्या लगा मास्क उतार के आ जाएगा, सेम कपड़े पहन के मैं पहचानूंगा नहीं तुझे? इसीलिए आया हूं, मास्क उतार के तेरे सामने, ताकि तू मुझे पहचान सके। तू क्यों टाइम लगा रहा है? निकाल दे अपना नकाब, दिखा दे अपनी असलियत, अपना असली चेहरा सबके सामने, करण का। करण नहीं हूं मैं, अर्जुन हूं, अर्जुन सूर्यवंशी। चल निकल यहां से, निकल। मैं कहीं नहीं जाने वाला, अभी बहुत सारे पुराने हिसाब किताब चुकता करना बाकी है। किल्ली डंडा प्लेयर करण लूथरा, देख झूठ तो बोलना मत मुझसे, जो खुद झूठ का पुतला हो उसे झूठ नहीं बोल सकते हैं। तुझे क्या लगता है मैं झूठ क्यों बोल रहा हूं? चल बता। नहीं बोल रहा, ठीक है। एक टेस्ट लेते हैं जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यह साबित हो जाएगा कि तू सच बोल रहा है या झूठ। एक सिंपल सवाल पूछता हूं, उसका जवाब दे दे। तो प्रीता से शादी क्यों करना चाहता है? बाकी सब तो धोखा है, अर्जुन धोखा, करण धोखा, मैं सिर्फ पृथ्वी मल्होत्रा द रियल हीरो। पहले दिन से ही ऐसा हूं, जब पहली बार प्रीता जी से मिला था तो उनसे शादी की तमन्ना थी दिल में, आज भी वही तमन्ना लिए घूम रहा हूं। प्रीता जी से शादी करनी है, दिल से, कसम से। मौसम बदले, मिजाज बदले, लोग बदले, पर मैं नहीं, क्योंकि मेरा प्यार प्रीता जी के लिए सच्चा है। मुझे इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है? अब हम खड़े खड़े एक दूसरे का मुंह ही देखते रहेंगे या नीचे चलेंगे भी? लेट्स गो, चल आओ दी, आओ अभी। जब तक दूल्हा आ रहा है मैं देवी देवताओं का आह्वान कर लेता हूँ, कृपया करके आप सब लोग भी अपनी अपनी आंख बंद करके देवी देवताओं का स्मरण कीजिए, जिससे कि देवी देवता यहाँ आकर वर वधु को आशीर्वाद दे सकें। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वांध साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। शायद ये पहली शादी होगी जहाँ दुल्हन तो मंडप में आ चुकी है लेकिन दूल्हा अब तक अपनी ही वर पूजा में नहीं आया, इतना इंतजार करवा रहा है। कृपया करके शांति बनाए रखिए और यहाँ ध्यान दीजिए। सैमी, ये अर्जुन और कृतिका तो हमारे पीछे चल रहे थे, अब तक आए क्यों नहीं है लोग? हाँ, दोनों नहीं दिखाई दे रहे। शायद अर्जुन और कृतिका एक दूसरे से बात कर रहे होंगे कुछ इम्पोर्टेंट, तो शायद इसके लिए हो सकता है। Thank you.
कम दूंगा ना कि वो सब जिंदगी भर नहीं भर पाएगा। चुपचाप कर रही यहाँ पर समझ में? कुछ आवाज तो आई है। देवी आई लगे देखिए मैं भी आता आ जाओ। से भी क्या हो गया यहाँ पे जो सब इतने खामोश हो गए? पता नहीं किसी की बात का कुछ साइलेंट रिएक्शन दे रहे होंगे। हमें क्या करना है? चलो यहाँ से। यहाँ तो कोई भी नहीं है। पैसे वाली महारानी शादी के बाद ना सारा पैसा ये मुझे दे देगी, फिर मैं बन जाऊंगा इस महारानी का करेक्ट महाराजा। बेटा रस्मों पे ध्यान दीजिए। ए पंडित वही करने आया हूं, तू चुपचाप अपने मंत्र पढ़। समीर पुत्र। हाँ जी। मुझसे ना छोटी सी भूल हो गई है। क्या हुआ? मैं इन दोनों के लिए माता रानी के मंदिर से चुनरी लाई थी ताकि उनका आशीर्वाद इन दोनों पे बना रहे, लेकिन वो चुनरी मैं ऊपर ही भूल गई, नीचे लाना ही दिमाग से निकल गया। तू प्लीज ले आएगा? मैं ले आता हूँ। कहाँ? अलमारी में रखी है? नहीं पुत्र, अलमारी में नहीं है, एक संदूक है, उसमें पूजा का सामान है और ऊपर ही चुनरी है, तुझे दिख जाएगी, वो ले आ। ठीक है, ओके मैं ला। जल्दी आना। हाँ जी हाँ जी। सही कहते हैं लोग, ज्यादा पैसों का लालच हमेशा बुरा होता है। बहुत लेट समझे हो तुम, ये बात तो हमें बचपन में ही सिखा दी गई थी। सही कहा सर। हम दोनों में से अगर कोई भी पकड़ा गया तो हमें एक दूसरे का नाम नहीं बताएंगे। मतलब अगर मैं पकड़ा गया तो मैं तेरा नाम नहीं बताऊंगा, अगर तू पकड़ा गया तो तू मेरा नाम नहीं बताएगा। बाद में जो भी पकड़ा जाएगा उसको बचा लेगा, बोलो वादा। एक मिनट, उस पृथ्वी ने मेरे साथ खेल खेला है। क्या? उस तहखाने में जो सामान गिरा था जिसकी वजह से पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया, वो सामान पृथ्वी ने गिराया था। बॉस क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या बोल रहे हो? तुम्हारा मटका किंग पागल हो चुका है और अब इस मटके का बनेगा ड्रम और फिर वहां जाके हम इसे बजाएंगे। लगता है सर आगे एक्सीडेंट हुआ है। दादी देखो वो लोग क्या ला रहे हैं। अरे इतनी बड़ी संदूक। समीर ये तो क्या ले आया? पूरा संदूक उठा के क्यों ले आया? मैंने तुझसे कहा था सिर्फ चुनरी लाने के लिए पुत्र। ओह गॉड, अब तक तो मेरे सितारे बुलंद थे, अब नीचे गिराने पे क्यों लगे हो? इस संदूक के अंदर मेरी पुरानी पत्नी कृति है, अगर उसे होश आ गया तो बाहर आते ही सबको बता देगी कि सहरे के पीछे अर्जुन नहीं मैं पृथ्वी हूं। कमाल की बात है,
संदूक पे तो ताला लगा नहीं था, मैंने लॉक किया ही नहीं था। इनफैक्ट चाबी तो संदूक के अंदर थी, तो फिर ये लॉक किसने किया? अब क्या करेंगे? चुनरी निकालनी है पूजा के लिए, अब ये लॉक कैसे खुलेगा? मम्मा चाबी से खुलेगा ना, चाबी वाले को बुलाते हैं ना, चाबी वाले को फोन कर। मैं ले आता हूँ ना चाबी वाले को। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। राखी मॉम हम अभी आते हैं। जाओ जल्दी जाओ बेटा। हाँ जी। एक सेकंड। अब आप दोनों हस्त मिलाप की रस्म कीजिए, अपने अपने हाथ एक दूसरे को दीजिए। से शादी करने के लिए मंडप पर बैठ भी गया होगा, जो चेहरा वो चेहरे पे लगा कर रखा होगा ना, उस चेहरा हटा दूंगी और उसका असली चेहरा सबको दिखा दूंगी। और फिर मैं ऋषभ को कहूंगी कि ये सब मैंने उसके परिवार के लिए किया है, ऋषभ के लिए किया है, और वो मुझे अपना लेगा। और जैसे ही मेरी मॉम को पता चलेगा कि मैं पृथ्वी को छोड़ के ऋषभ के पास आ गई हूँ, तो मेरी मॉम भी मुझे अपना लेंगे। उसके बाद जितने भी पैसे मैं उनसे मांगूंगी ना, वो मुझे खुशी खुशी दे देंगे, और वो सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरी बात मानो, ये प्लान तुम्हें अच्छा लगा तो बताओ। मैं बता रही हूँ, दिस प्लान इज गोना वर्क। अरे ऐसे क्या देख रही, फुल प्रूफ प्लान है। अरे टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। ठीक है, मंजूर है, लेकिन कोई होशियार की नहीं, वरना इस बार ठोकने में सोचूंगा नहीं, निशाना चूकूंगा नहीं। आई बात समझ में? इस बार निशाना चूकेगा भी नहीं, इस बार वो होगा। और दूल्हा बनके तुम शादी करने के लिए बैठ गए? How dare you? पुलिस को कॉल करता हूँ, ये आदमी ऐसे नहीं मानेगा। सुना नहीं तुमने अर्जुन कहाँ है? क्या किया तुमने अर्जुन के साथ? Hold on! और ये क्या अर्जुन 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 लगा रखा है? ये रहा, मेरी जेब में है। अर्जुन कहाँ है? अर्जुन अर्जुन कहाँ है? अर्जुन 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 चिल्ला के कुछ नहीं होने वाला, बेहोश है वो। तुम्हारे चिल्लाने से वो यहां नहीं आ जाएगा और शादी नहीं हो जाएगी पिताजी के साथ, समझ में आया? बहुत हो गया तुम लोगों का। प्रीता जी भूल गए आप? ऐसा ही मंडप था, शादी का जोड़ा भी कुछ ऐसा ही था। मंडप में आप और मैं, हम दोनों इसी तरह बैठे हुए थे, इसी तरह हस्त मिलाप हो रहा था, और फिर क्या हुआ? उस करण ने धोखे से सहरे की आड़ में मेरी जगह ले ली और आपसे शादी कर ली। कोई बात नहीं, मैं उसी इतिहास को वापस दोहराने आया हूं, पर इस बार आपसे शादी सिर्फ मेरी होगी, नहीं होगी उस करण अर्जुन की नहीं। उसने मुझे धोखा दिया था ना, तो उसी धोखा का बदला आज मैं लेने आया हूं। आज दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती। सुना आपने, आज पृथ्वी और पिताजी की शादी होकर रहेंगे। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, सच है, यही सच है। आज आपकी और मेरी शादी होकर रहेगी पिताजी, और इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी ने भी रोकने की हिम्मत दिखाई ना, तो मैं उसे ठोक दूंगा। इस शादी को रोकने के लिए किसी की जरूरत भी नहीं है, मैं अकेली ही काफी हूँ, और मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अर्जुन के मरने के बाद भी नहीं? क्या
क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अब जाके सांस में सांस आई। ओह गॉड, सीता जी ने ऑलमोस्ट मुझे पकड़ लिया था। उन्हें एहसास हो गया था कि सहरे के पीछे करण नहीं है। क्या बचाऊं मैं? आज आपने ना दो चीजें की है, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी ये कि जो हकीकत में होने वाला था वो आपने मुझे सपने में दिखा दिया, जिसकी वजह से मैंने हकीकत को बदल दिया। और बुरी ये तथ्य से किसी को कैसे एहसास हो सकता है कि ये इंसान वो नहीं, ये इंसान वो है। मतलब प्रीता जी ने मुझे जैसे ही टच किया, उनको एहसास हो गया कि उनके साथ जो मंडप में बैठा हुआ लड़का है वो करण नहीं है। आखिर इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या है? कैसे टच करते समझ में आ जाता है कि ये करण नहीं है, ये करण है। कमाल है यार। थैंक यू बचाने के लिए, वो सपना दिखाने के लिए। चलो थोड़ी देर ना यहां वहां भटकता हूं, ताकि सबका ध्यान भटक जाएगा, फिर किसी को कुछ याद ही नहीं रहेगा कि दही गिरी थी, सबका ध्यान भटका था, और प्रीता जी का माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा। थैंक गॉड तू आ गई, ये बेहोश ही नहीं हो रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे लग रहा था कि तू अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं लेके आई इसे बेहोश करने के लिए। किसी के मुंह से मैंने सुना था कि इस घर में एक रूम है जहां सब मेडिसिन है, मैं वहां गई और लेके आई। लास्ट ऑप्शन यही था यार, इसलिए बेहोश कर दिया। चल जल्दी से इसे कहीं छुपा लेते वरना कोई आ जाएगा। चल चल चल। सबसे पहले ना इस बेहोश प्रीता को ठिकाने लगाना होगा। फैमिली में से कोई भी तुझे बुलाने के लिए आ सकता है, तू जल्दी से घूंघट पहन के बैठ जा इधर। अब मंडप में ना दुल्हन की जगह पे प्रीता नहीं तू होगी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो लुथरा फैमिली तुझे ही लेके मंडप में जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि तूने प्रीता जैसा डिट्टो शादी का जोड़ा पहना है। मैंने कहा था तुमसे प्रीता कि अर्जुन से शादी मेरी ही होगी, बेकार में तुम बीच में आई। अब देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी। ओ भाई साहब, बहुत मेहनत करा दी। अर्जुन पता है क्या, तुझे इस तरह बेहोश देख कर ना मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आज तक तुझे होश में देखकर इतना खुश नहीं हुआ जितना तुझे बेहोश देखकर हो रहा हूं। वैसे मैं भी बंदा कमाल का हूं, नहीं हा? एक पल में सबका होश उड़ा देता हूं। देख कैसे बेहोश कर दिया मैंने तुझे। ऐला यार पता है क्या, मेरे पास ना ज्यादा वक्त नहीं है, मैं तेरे पीछे ना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आज मेरी शादी है मेरी प्रीता जी के साथ। अरे तुझे पता है क्या हुआ, अभी ना खुली आंखों से मैंने सपना देखा कि प्रीता जी को सबको मेरी सच्चाई पता चल गई, लेकिन किसी तरह मैंने वो दही वही गिरा दी और सबका ध्यान भटका दिया। अब ना अब पता है आगे क्या होने वाला है? बताओ। किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है, और अब तुझे पता चलेगा। अब ना वापस मंडप में जाऊंगा और कुछ ऐसा माहौल बनाऊंगा ना कि सब मजबूर हो जाएंगे, पंडित जी को बोलेंगे, प्रीता जी को बोलेंगे कि अरे फटाफट फटाफट इनकी शादी कराओ, शादी संपन्न हो जाए जल्दी से जल्दी। जानता हूं यार,
मैं जानता हूँ वो जो प्रीता जी है ना बहुत भीट है, वो कभी दिल से अपने मन से मुझसे शादी नहीं करेंगी। कोई बात नहीं, मैं तो करूंगा ना, मैं तो दिल से कर रहा हूं उनसे शादी। ओए, तुझे याद है ना वो धोखा सहरे की आड़ में, तूने मेरी जगह ली थी और प्रीता जी से शादी कर ली थी, याद है तुझे? कब से कह रहा हूं, एक बार मेरी बात सुन लो, एक बार दिल से नहीं दिमाग से काम लो। पर नहीं, हमें तो हमेशा वायलेंट ही होना है, लड़ाई झगड़ा करना है, मारपीट करनी है, तो करो। अब नाटक मत करो, उठ जाओ, ठीक है? सुनो, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, ठीक है? अभी कभी उठ जाओ बेबी। बेबी मेरी बात सुनो, अरे उठो यार। यही वाला है ना? ये लग रहा है, नॉक करो। चाबी वाले भैया, यार एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो संदूक वाली चुंदरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है यार। एक तो संदूक में है, ताला लगा हुआ है और ये चाबी वाला खोल ही नहीं रहा है। जी राखी जी। सैमी एक काम करते हैं, हम मंदिर चलते हैं और वहां से माता रानी की चुंदरी लाते हैं और वो राखी मम को देते हैं। नहीं सिस्टी, राखी चाची ने क्या कहा था कि चुंदरी उन्होंने माता रानी के चरणों से ली है, उनके लिए बहुत मायने रखती है, तुम तो जानती हो ना वो थोड़ी इमोशनल है। नौकर प्लीज नौकर। चाबी वाले भैया प्लीज दरवाजा खोलिए। ओम की ट्रेवल। अरे नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। एक्चुअली हमारे घर पर ना एक संदूक है, उस पे ताला लगा हुआ है, हमारे पास उसकी चाबी नहीं है, वो संदूक खोलना है, उसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, प्लीज अब हमारे साथ चलिए। देखिए मैं इस वक्त कोई काम नहीं करता, हाँ कल सुबह आकर खोल दूंगा। अरे नहीं 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 प्लीज, कल सुबह नहीं, हम कल सुबह, हम इतना वेट नहीं कर सकते। एक्चुअली मेरी बहन की शादी हो रही है और उस संदूक में ना माता रानी की चुनरी है जो मेरी दीपे उड़ानी है, अगर वो नहीं हुआ ना तो शादी पूरी नहीं हो पाएगी। हम अभी शादी से ही आ रहे हैं, प्लीज चलिए ना, बहुत मेहरबानी होगी आपकी अगर आप चलेंगे तो। प्लीज भैया चलो ना प्लीज, मैंने आपसे फोन पे भी कहा था इमरजेंसी है, प्लीज चलो ना प्लीज। अच्छा अच्छा आप एक मिनट रुकिए, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूं। जल्दी बस एक मिनट। थैंक यू थैंक यू। भगवान जी की कृपा है कि मान गया। अपने हाथ को काबू में रखो, ये जैसी भी है मेरी है, समझ में आया? मुझे ना सब चाहिए, ऐसी शर्लिन भी और शुगरी प्रीता जी भी। पता है क्यों? मेरा दिल बहुत बड़ा है। चलो अब तुम दोनों ना यहां बेहोश बेहोश खेलो और मैं वहां मंडप में जाता हूं और मैं खेलूंगा शादी प्रीता जी के साथ। काम है? हाँ मैं जानता हूँ ढोल वाले सरदार जी को। बहुत ही अच्छी बात है, अभी उनको कॉल करो। लेकिन उनसे क्या काम है अर्जुन? मंडप से प्रीता को उठाना है, ठीक उसी तरह जैसे उसने मुझे उठाया। वो सब ठीक है लेकिन तुम ये सब करोगे कैसे? सुनो
तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है, दुल्हन का रूम है। हाँ, ओह गॉट इट। चोरी करने आए हो ना तुम यहाँ पे, है ना? निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो अभी के अभी। ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? ओ हाँ, मैं तो सरदार जी के गेटअप में हूँ। इसे बता दूं कि मैं अर्जुन हूँ। नहीं 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 नहीं, सच बता दिया तो सवाल पे सवाल करेगी, और अभी इसे सब समझाने का टाइम नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु। अरे अच्छी आ गए दोनों जाने। ओहो सरदार जी की रोला पाया, व्याह शुरू हो गया, जाओ। व्याह शुरू हो गया? अरे वही तो खत्म करने आए हैं। अरे पाजी कहने का मतलब है ब्याह शुरू हुआ है, संपन्न हमारे साथ होगा। ओए पापे चुपचाप बैठ जाना है तो, लास्ट की थोड़ी सी शादी बची है, बस थोड़ी सी, उसे हो जाने दे। ओहो जी ब्याह है जी, धोखा थोड़ी है कि थोड़ा देर हो गया तो राज खुल जाने, ऐसा कुछ है क्या जी? अच्छी तो फेमस भंगड़ा वाले। हमारा भंगड़ा वर्ल्ड विच फेमस है जी। जिस शादी में जाते हैं वहां धूम मचा देते हैं, यहाँ भी धमाका करने आए हैं। अरे कितने ढोल वाले, बुलाओ जी। ओ ढोल वाले आ जाओ। गॉड अब ये लोग कहाँ से आ गए? अभी बस आखिरी पड़ाव चल रहा था शादी का, कुछ होने देते ना, ये ढोल नगाड़े शादी की बात कर लेते। वैसे भी शादी के बीच में कौन बजाता है ये सब? चिल्लाने की कोशिश मत करना। एक मिनट पंडित जी, आप बताइए ऐसा कोई मुहूर्त चल रहा है, ऐसा कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसा कोई है क्या? अब बताइए। ठीक है ना, चलो चेहरा हटाओ अपना, अभी क्या भी हटाओ। कृतिका, मैंने कहा चेहरा हटाओ। कृतिका तुमसे नहीं होगा ना? कृतिका क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक हो? मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ जाके आराम करो। लो। नहीं नहीं आप कैसे हो यहाँ पे? मैंने अपनी आंखों से देखा, यहाँ अर्जुन नहीं था, यहाँ अर्जुन नहीं था, पृथ्वी था, चेहरे के पीछे पृथ्वी था। मॉम ट्रस्ट मी, ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। प्लीज तुम शांत हो जाओ, एकदम चुप। व्हाट्स रॉन्ग विद यू, इतनी हाइपर क्यों हो रही है तुम? चेहरा हटाया ना तुमने, देख लो
अर्जुन है, पृथ्वी नहीं। मम्मा मम्मा प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी, यहाँ पे अर्जुन नहीं था, सहरे के पीछे पृथ्वी था। मम्मा अब सही नट, मैंने खुद देखा। चुप हो जाओ, आई थिंक तुम्हें है ना टेंशन हो गई, हाइपर हो रही हो तुम। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है मम्मा, सहरे के पीछे अर्जुन नहीं था मोम, पृथ्वी था। बेटा तुम्हें गलत फहमी हो गई है। हुआ, हो सकता है कि इसको वहम हो कि पृथ्वी यहाँ पर है, लेकिन ये संदूक के अंदर क्या कर रही थी, वो भी बेहोश, कुछ तो होगा ना संदूक में। हाँ वो जो गुंडे आए थे ना, उन्होंने शायद इसे संदूक में डाल के बंद कर दिया हो। हुआ, अब मुझे तो वही रीजन दिख रहा है, वरना कोई फैमिली मेंबर इसे संदूक में लॉक क्यों करेगा। बिलीव नहीं कर रहा, अब करो ना, वो पृथ्वी था मम्मा, नहीं था अर्जुन, में नहीं कर रही कोई ड्रामा। नहीं था वो पृथ्वी, नहीं है वो पृथ्वी, अर्जुन ही है। आई थिंक तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, चलो मेरे साथ। हुआ पंडित जी, मैं भी आया। पृथ्वी ने मुझे मारा था, मुझे बेहोश कर दिया था, और बेहोश करके उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। पर ये बात मैंने किसी से नहीं कही, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि फैमिली परेशान हो जाए, सब लोग स्ट्रेस में आ जाएंगे। I'm sorry, मैंने ये बात किसी को बताई नहीं, बट सच बताऊं तो मैं बताना भी नहीं चाहता था। पर एक बात कहूं, मैं बहुत खुश हूं कि तुम ये शादी रोकना चाहती थी, और उससे भी ज्यादा खुश हूं क्योंकि तुम प्रीता से उतना ही प्यार करती हो जितना एक बहन को अपनी बहन से करना चाहिए। भाई थैंक यू। कृतिका तुम रो क्यों रही हो, प्लीज मत रो। भाई अगर आप नहीं होते ना तो मुझे वाकई में लगता मैं पागल हूँ, कोई मुझ पे बिलीव नहीं करता, और मुझे सच में लगा था I'm lost it. I'm sorry, मुझे पृथ्वी का सच सबके सामने लेकर आना चाहिए था। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। पानी, मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। जरूरत तो मुझे भी थी, एनर्जी तो चाहिए ना यार, तुझे पता है मैं कितना डर गई थी। तू डर की बात कर रही है, मेरी तो सांस ही अटक गई थी। पता है मुझे ऐसा लगा कि कृतिका ये बात जानती है कि घूंघट के पीछे मैं हूँ, और वो किसी भी वक्त सबके सामने मेरा घूंघट हटा देगी, लेकिन थैंक गॉड वो कुछ नहीं जानती थी। वो सब तो ठीक है यार, तुझे पता है मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा वो दूल्हे के सहरे के पीछे पृथ्वी है, अर्जुन नहीं है। अगर तेरी शादी पृथ्वी के साथ हो जाती, अर्जुन के साथ नहीं होती, तो ये सोच के ना मेरा दिल इतना घबरा गया ना, अब तक मेरी हार्ट बीट फास्ट है। थैंक गॉड भगवान जी ने बचा लिया, वो पृथ्वी नहीं अर्जुन ही था, क्योंकि अर्जुन को ये होना था। ज्यादा पृथ्वी पृथ्वी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे अर्जुन की जगह कोई नहीं ले सकता। और प्रीता तेरी जगह कभी नहीं ले सकती। हमें दुल्हन को किडनैप करना है, अब ये हमें पैसे देगी। जिन जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया, इसको किडनैप करके उन सब से बदला लूंगा। बॉस, भगवान के घर में तेरे अंधेर नहीं। पता है भगवान जी ने गलती कर दी थी प्रीता को अर्जुन की लाइफ में भेजकर, लेकिन उन्होंने ये गलती ठीक कर दी कि मुझे अर्जुन की लाइफ में भेज दिया। देखना, अर्जुन को इतना प्यार दूंगी जितना वो डिजर्व करता है। भगवान कई बार चीजें गलत कर देता है, लेकिन फिर उन्हें ठीक भी कर देता है। अच्छा चल, अब मैं टचअप कर लेती हूँ। ओके चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, सो दैट अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं तेरे साथ रहूंगी ना, तेरी हेल्प करने के लिए। ओके ये चेक करो रे, मरवड़ तो नहीं गई, देखो सांस तो ले रही है बॉस। ये साढ़े टू चिड़िया होश में आ रही है। अबे तू
पर तू इन कपड़ों में क्या कर रही है? कौन हो तुम लोग? मालूम होना चाहिए ना, उठाने से पहले चेक करना चाहिए कौन है कौन नहीं है। बॉस हम तो आपके सारे पे चल रहे थे, आपने जैसा बोला वैसा किए, और आप भी तो थे वहां पे। यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? क्यों किताब किया? पैसों के लिए, और वो पैसे तू देगी। बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम लोगों ने। इस वक्त मुझे मंडप में होना चाहिए था, मुझे अर्जुन से शादी करनी। क्या चल रहा तुम्हारा? तेरे को अर्जुन से शादी करनी है, अर्जुन को किसी और से शादी करनी है, उसको किसी और से शादी करनी है, क्या चल रहा है? तुमको समझ में नहीं आता मैंने क्या कहा? मुझे अभी जाना है मंडप में। ए मैडम, मैं तेरा नौकर, तू मेरी मैडम नहीं है, मालकिन नहीं है तू मेरी, समझी ना? मैंने तुमसे कहा अभी की अभी मुझे लूथर हाउस ले चलो, और मैंने तेरे को कहा ना नहीं लेके जाऊंगा। मेरी किडनैपिंग के पैसे चाहिए ना तुम्हें? बताओ कितने पैसे चाहिए? 50 लाख। मैं तो कभी देखा नहीं 50 लाख रुपए कैसा होता है। मैंने तो कभी लिखे हुए भी नहीं देखे कभी 50 लाख रुपए। हाँ यार आ गया, देखा मैंने कहा था ना बड़ा घर बड़ी बारात, पैसे ही पैसे, मजा आ गया बॉस, मजा आ गया। अपनी बकवास बंद करो अभी, इन पैसों के बदले तुम लोगों को मेरा काम करना होगा। अभी के अभी मुझे लूथर हाउस ले चलो और प्रीता को किडनैप करो। बाकी तुम लोगों का प्लान वही होगा जो तुम लोगों ने प्लान किया था, प्रीता को किडनैप करो और मेरी किडनैपिंग के बदले जो पैसे मांगने वाले थे वो उससे मांगो, और इफ इन केस अगर तुम लोग प्रीता को किडनैप नहीं भी कर पाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पैसे मैंने तुम्हें दिए ना उसे बोनस समझ लो, और बाकी के 50 लाख भी मैं ही दे दूंगी तुम्हें। अब मजा आएगा, पैसा ही पैसा। सही कहते हैं लोग, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी लेकर चलो मुझे। देखो अंजलि मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, और मैं उसके लिए, उसके प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और मैंने ये सब कुछ सिर्फ उसके लिए किया है। आई नो मैं बहुत गलत हूँ, एंड आई एम रियली सॉरी। प्रीता तुम्हें पता है अंजलि ने अर्जुन को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसे शादी करने के लिए कितना कुछ किया, बट आखिर में उसे रियलाइज हुआ कि प्यार दोनों तरफ से हो तो ही रिश्ता आगे बढ़ सकता है, प्यार एक साइड से नहीं चल सकता, इसलिए वो ये शादी और मंडप छोड़ के चली गई। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूं? इतनी चालाक लड़की जिसने इतना कुछ कर दिया, मुझे मारने तक की कोशिश करी, वो चुपचाप मंडप छोड़कर चली गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं मानती मैं तुम्हारी बात। प्रीता अगर अंजलि यहाँ पर होती तो वो शादी कर रही होती ना? ट्रस्ट में प्रीता, वो अंजलि चली गई है। देखो नीचे ना माहौल बहुत अच्छा है, किसी को कुछ पता नहीं है, अगर तुम यहाँ से उठ के सबको बता दोगी तो सब टेंशन में भी आ जाएंगे और माहौल खुशियाँ सब बिगड़ जाएगी। प्लीज ये माहौल को मत बिगाड़ो, तुम्हें चाहिए ना तो तुम शादी होने के बाद अगले दूसरे तीसरे दिन पे तुम बता दो, लेकिन तब तक तो मत बताओ, सबकी खुशियाँ खराब हो जाएगी। प्रीता तुझे होश आ गया? क्या हुआ था पुत्र, तू बेहोश कैसे हो गई थी? वो एक्चुअली प्रीता राखी जी को ना मैं भी बेहोशी हालत नहीं मिली थी, पता नहीं मुझे चक्कर आ गया या सर पे किसी ने मारा, समझ ही नहीं आया, मैं भी कुछ भी बोले जा रही थी। वैसे तुम्हें क्या हुआ प्रीता? बोल पुत्र क्या हो गया तुझे, तू बेहोश कैसे हो गई, बता ना, तू चुप क्यों है, मेरा दिल बैठा जा रहा है, क्या हुआ पुत्र बोल। अभी ये सब कुछ राखी माँ को बताऊंगी, वो बहुत टेंशन में आ जाएंगी। पता नहीं शायद पहले जो गुंडे आए थे उन्होंने यहाँ कुछ तेल या कुछ डाल दिया होगा, या कुछ तो ऐसी चीज थी कि हम उस पर स्लिप कर गए, जिससे कि शायद मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ याद नहीं है। चोट तो नहीं लगी है ना, तू अब
ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ राखीबा, चलिए चलते हैं, बाहर चलते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं ना। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, यानी कि सात और सात 14 फेरे, और आज इस शादी के बाद 3 शादियां हो जाएगी, यानी 21 फेरे। जितने फेरे उतने जन्मों का रिश्ता। इतने पक्के रिश्ते को तुम्हें लगता है कि तुम जैसे कमजोर लड़के तोड़ पाएगी? कभी नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं तोड़ सकता। मैं ये मानती हूँ कि अर्जुन मेरा प्यार है, और मेरे पति पे लगी हर बुरी नजर को मैं हटा दूंगी। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि अर्जुन करण है? कहीं तुम अपने आप को फिर से मिसेस प्रीता लूथरा समझने की कोई गलती तो नहीं कर रही? क्योंकि अगर तुम ऐसा कर रही हो ना, तो अपनी ये खुशफहमी ना हटा दो, क्योंकि वो करण नहीं है, वो अर्जुन है, तुम समझी? प्रीता, बी प्रैक्टिकल। कुछ पेपर्स, कुछ फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पर तुम ये कैसे डिसाइड कर सकती हो कि वो अर्जुन नहीं, वो करण है? क्योंकि अगर तुम उसे करण समझोगी ना, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है पता है? करण की मौत के बाद तुम लोग अभी तक ना उस इंसिडेंट से उभर ही नहीं पाए। उसके लिए तुम लोगों ने इतने आंसू बहाए है ना, कि तुम लोगों को एक लड़का दिखा जो कि करण जैसा है, अर्जुन, तो तुम्हें ऐसा लगा कि वो तुम लोगों का करण ही है। अर्जुन ना करण का बहुत बड़ा फैन है, उसने उसको बहुत देखा है, बहुत फॉलो किया है, तो इसीलिए कुछ हरकतें हैं उसकी करण की तरह। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो करण है? अच्छा, तो क्या करूं, तुम्हारी बात मान लूं? क्योंकि तुम कह रही हो कि वो करण नहीं है, तो वो करण नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि फिंगरप्रिंट्स और हैंडराइटिंग के बलबूते पे मैं उसे करण कह रही हूं? नहीं, पहले दिन से अर्जुन मुझे करण की याद दिलाता था, उसके आसपास होने से मुझे करण के आसपास होने का एहसास होता था, लेकिन मैं इंतजार कर रही थी कि मेरी आत्मा कब कहेगी कि वो करण है। और हाँ, ये सब सबूत मिल जाने के बाद मैंने अपनी आत्मा का कहना मान लिया, अपने दिल का कहना मान लिया, अपने एहसास को सच मान लिया कि वो करण है। क्योंकि मैं एक पत्नी हूँ, और पत्नी का एहसास कभी गलत नहीं हो सकता। अरे प्रीता को तो करण से यमराज जुदा नहीं कर पाए। यार भाग्य का खेल भी कमाल का है, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी की एक्स वाइफ उसकी प्रेजेंट वाइफ को थैंक यू बोल रही है। कि बाहर कैसे निकला, तुमने दरवाजा लॉक नहीं किया था? मैं क्यों दरवाजा लॉक करूंगी? तुझे लगा है तेरी साइड पर है? ये मेरी बेबी है, ये मेरी साइड थी है और हमेशा रहेगी। और अब पता है क्या होने वाला है? साइड से याद आया, मैं तुझे साइड करूंगा और यहां से सीधा जाऊंगा मंडप में, प्रीता जी की साइड पे बैठूंगा और होगी शादी संपन्न। इसी तरह तड़पाऊंगा सबको तड़पाऊंगा, दूतराज को, तुझे और सुहागरात के वहां प्रीता को भी। किसी की हिम्मत नहीं है कि लूथरा फैमिली या अर्जुन का कोई कुछ बिगाड़ सके। क्या बात है मेरी शेरनी? भाभी, अपने इस नौटंकी पति को उठाओ यहां से और यहां से चलते बनो, या पुलिस को फोन करूं मैं? सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम यहां से चले जाएंगे, प्रॉमिस, हम तुम्हारे यहां पे कभी नहीं आएंगे।
सेमी सिक्योरिटी को फोन करो, इन्हें ऐसे बाहर फेंकवाओ। अरे इनके मुंह क्यों लग रहे हो तुम लोग, चलो मंडप इंतजार कर रहे हैं, चलो। मैं चलती हूँ, आप सब लोग मुझे फॉलो करो, ओके? थोड़ी तो मेहनत करने दे उसे। एक मिनट दादी, मेहनत जितनी करवानी उतनी करवा लीजिए, हम दीको अपने कंधों पर बैठा लेंगे। अच्छा तुम really? कंधे पे क्या बिठाओगी, मैं अर्जुन को इतना ऊपर उठाऊंगा ना कोई पहुंच भी नहीं पाएगा, देखना। चैलेंज जो है ना। चढ़दा कुछ भी पता नहीं चलदा, हर दुआ में तैनू मंगदा के रब्बा जानदा। अरे बाप रे, इसे कहते हैं रोमांस की पराकाष्ठा। ये लो, ये तो अभी से जोरू का गुलाम हो गया। बन हम जिए कैसे, तेरी मुस्कुराहटों पे सजदे किए, बेटा अब आप दोनों अपने अपने स्थान पर बिठा दिए। अब दूल्हे की माँ गठबंधन की रस्म के लिए आगे आ जाए। अंजलि, अंजलि तुमसे शादी करना चाहती थी, मुझे मंडप से हटाकर मेरी जगह खुद बैठना चाहती थी, और ऐसा इसने किया भी, मुझे बेहोश कर दिया और मुझे हटाकर मंडप पर खुद बैठ गई। क्यों अंजलि, बताओ सबको।
अर्जुन ये लोग झूठ बोल रहे, झूठी कहानियां बना रहे, इन पर यकीन मत करो प्लीज। अच्छा मैं झूठ बोल रही तो ठीक है, तुम ही बता दो तुमने मेरे जैसा शादी का जोड़ा क्यों पहना है। किसी की शादी में आते हैं अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के आते हैं लोग, लेकिन शादी का जोड़ा पहनकर नहीं आ जाते, वो भी सेम टू सेम दुल्हन वाला। हाँ तुमने ये जोड़ा इसलिए पहना है क्योंकि तुम धोखे से अर्जुन से शादी करना चाहती थी। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी अर्जुन। इनफ अंजलि, कितना झूठ बोलोगी। हाँ सारी प्लानिंग पॉटिंग जो हो रही थी ना सब कुछ सुना, शलन प्रियंका से बात करी थी, वहां पृथ्वी बेहोश था, फिर शलन उसको होश में लेके आने की कोशिश करी थी, सब कुछ सुना मैंने। मैं आप सबको बताता हूँ क्या हुआ वहां पर। पृथ्वी पृथ्वी प्लीज उठो, पृथ्वी पृथ्वी आके खोलो, पृथ्वी पृथ्वी प्लीज पृथ्वी प्लीज अब आके खोलो, पृथ्वी पृथ्वी उठो, पृथ्वी प्रियंका प्रियंका प्लीज हमारी मदद कर दो प्लीज, पृथ्वी होश में नहीं आ रहा। प्रियंका प्लीज तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम हमें जानती नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम अंजलि की बेस्ट फ्रेंड हो, उसके लिए कुछ भी कर सकती हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें पता है कि अंजलि हमारे घर आई थी पृथ्वी से मदद मांगने के लिए कि वो अंजलि और अर्जुन की शादी होने में उसकी मदद कर दे। और मैं ये सब इसलिए जानती हूँ क्योंकि पृथ्वी गया था अंजलि के घर, लेकिन अंजलि ने अपने एटीट्यूड में आके उसे धक्के मार के बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया था। अंजलि में तो इतना दिमाग है नहीं, तो मैं समझ गई थी कि तुमने ही उसे आइडिया दिया होगा कि जाओ पृथ्वी से मदद मांगो। अब देखो तुम लोगों की वजह से मेरे पृथ्वी की क्या हालत हो गई। प्लीज हमारी मदद करो प्लीज। क्या चाहती हो तुम? डॉक्टर को कॉल करो, पानी ले, कुछ तो करो। ठीक है मैं पानी लेके आती हूँ। ये बात कितनी क्लियर है कि अर्जुन तुम सब लोगों को बर्बाद करना चाहता था, यहाँ तक कि इसने तुम लोगों के बिजनेस को भी टेक ओवर कर लिया था। इस घर का बेटा ऋषभ बहुत बुरी तरीके से हार चुका है, और प्रीता ने तो शादी के लिए ऐसे हाँ कर दी जैसे इसने कोई बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी हो। आज तुम्हें नहीं समझ आ रहा क्या? तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि ये सब क्या हो रहा है, कि प्रीता ने तुमसे शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? तुम मुझे बताओ कि प्रीता जैसी लड़की तुम्हारे साथ शादी करने के लिए हाँ क्यों बोलेगी, जबकि वो ये बात जानती है कि तुमने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। अब तुम देखना, अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं, ये लोग ना अपने वकालत की किताबें लेकर ना दलीलें देने लग जाएंगे कि हमें तो लगा कि हमारे घर का बेटा है, हमें तो लगा कि ये करण है। अर्जुन तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि प्रीता किस टाइप की लड़की है, नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रीता बुरी लड़की है, ये तो वर्ल्ड की बेस्ट लड़की है, बेस्ट बीवी, बेस्ट बेटी, सब कुछ बेस्ट है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक बात इसकी फैमिली की है। जब लोग इसकी फैमिली के खिलाफ हो जाते हैं ना, तब ये प्रीता बुरी से बुरी बन जाती है। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं खुद ये सिचुएशन हैंडल करूंगी, उसके बाद मैंने जो भी किया ना वो मैंने अपने दम पर किया। बहुत कुछ किया तुमने अपने दम पर, ये किया कि मेरे जैसे कपड़े पहनकर आकर मंडप में बैठ गई, ये नहीं कि अर्जुन से पर्सनली बात कर लेती। अगर इतनी प्रॉब्लम थी, तुम्हें लग रहा था कि हमने अपने चेहरे पे चेहरा लगाया हुआ है, हमारा असली चेहरा अर्जुन को दिखाना है, तो बात कर लेती, उससे शादी करके ही बताना है तुम्हें। हाँ माना, अगर तुम मेरी जगह मंडप पर बैठ जाती तो मेरी और अर्जुन की शादी नहीं होती, लेकिन तुम्हारी और अर्जुन की शादी तो हो जाती ना। क्या अर्जुन को चाहता था? नहीं नहीं, लेकिन तुम वो चाहती थी, क्योंकि तुमने ये बात मुझसे पहले ही कर दी थी। क्या कहा था तुमने? कि अर्जुन के सिंदूर पर तुम्हारा हक है, यही कहा था ना? हाँ कहा था मैंने,
कहा था मैंने कि मंडप में मैं बैठूंगी, पता है क्यों? क्योंकि प्यार करती हूं मैं अर्जुन से। तो क्या गलत किया मैंने? निकल आया तुम्हारा सच सबके सामने अर्जुन, कि मुझे पहले ही बता चुकी थी कि ये तुमसे बहुत प्यार करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। अर्जुन देखो, अब तुम्हें सारी सच्चाई तो पता चल गई अर्जुन, फिर अब यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं। चलो अंजलि, अंजलि तुमने ये सब क्यों? ये मुझे पहले ही बता चुकी थी। तुम तो एक लफ्ज मत कहो। अगर अंजलि ने मुझे धोखा दिया है ना, तो तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे धोखा देने में। और यहां बात कोई सही गलत की नहीं हो रही है, अगर यहां कोई गलत है ना, तो सब लोग गलत है यहां पे। तुम सब लोग ने मुझे मिलकर धोखा दिया है। क्यों किया तुम लोग ने ऐसा मेरे साथ? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम लोगों का? क्या हो गया तुम सब लोगों को? अर्जुन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। यहाँ कौन क्या सोचता है, कौन क्या महसूस करता है, क्या सही है क्या गलत, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा करण है, क्योंकि तुमने मेरे बहुत सारे दुपट्टे फाड़ दिए थे। तो तुमने कहा कि ये लो, लाके दिए थे 5 दुपट्टे। इन 5 दुपट्टे के सहारे पे मैंने 5 साल बिता दिए। और तुम कहते हो कि अगर तुम्हें जरा भी एहसास होता ना कि मैंने कितने दर्द में एक एक पल गुजारा, तो सच कह रही तुम मेरे पास बहुत पहले ही आ गए होते। आ जाता, लेकिन उस हादसे के बाद मेरी आदत चली गई थी, इसलिए वापस नहीं आ पाया। तो तुम सब कुछ भूल गया था? कुछ नहीं आता मुझे। तुम्हें कुछ भी याद नहीं था, तुम सब कुछ भूल गए थे, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं मूव ऑन कर गई। मूव ऑन तो तुम कर गए, कितना आसान है किसी को भूल जाना, लेकिन उसे रोज याद करके अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना कितना मुश्किल है, पता है तुम्हें? और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं मूव ऑन कर गई? बेटा कंट्रोल यॉरसेल्फ, कंट्रोल। अभी भी यकीन नहीं आता, तो ये तो याद होगा। अब ज्यादा मत सोचो, ओके? डोरी बांध रहा हूं, तुम्हें अपने साथ नहीं बांध रहा हूं। तुम ये सब कुछ इसलिए दिखा रही हो क्योंकि मेरे पास और कुछ भी नहीं है। इन 5 सालों में मैं इन्हीं के सहारे जी हूं, बस यही है मेरे पास दिखाने के लिए। और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं प्यार नहीं करती।